नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं जाऊंगी अपनी दीदी के साथ अभी यहाँ से गांव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में महाकाल के भक्त उनकी पूजा के लिए मंदिर जाते हैं, बोलबम जाते हैं। तो हम भी जा रहे हैं महाकाल की पूजा करने के लिए। हम जा रहे हैं हलमा जो है जमशेदपुर में। हम दोनों गांव की ओर निकल गए हैं। अभी रास्ते पे हैं। और थोड़ा देर बाद गांव पहुंच जाएंगे। और गांव से हम लोग लो कॉल आ गया। हेलो, तो देखते हैं क्या बोला जाता है। हम दोनों जा रहे हैं गांव से। हम जाएंगे दलमा जाएंगे हम गाड़ी में। और गाड़ी जो आई है वो हमारे गांव में आई है। गाड़ी तक पहुंचने के लिए हम दोनों जा रहे हैं पैदल। और पैदल चलते चलते हम दोनों मस्ती कर रहे हैं। मस्ती करते करते हम दोनों को बहुत हंसी भी आ रहा है। तो हम दोनों के पास है थैला जिसमें ये हम दोनों का जरूरत का सामान सब है। अगर बाई चांस हमें रास्ते में भूख लगे पानी प्यास लगा तो फिर ये हम लोग खाएंगे पियेंगे। हम लोग नहीं, सिर्फ दो जन, हम और तुम। हाँ, हम दोनों यही खाएंगे पियेंगे। दो बोतल है, चिप्स है, बिस्किट है और केला है। आज तो खा सकते हैं लेकिन कल नहीं खाना है क्योंकि कल है सोमवार, आज है संडे है। तो जो भी खाना है आज ही खाना है। कल तो खाना है वो तो सिर्फ पूजा के बाद ही खाना होगा और उपवास भी खाना है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं गांव गाढ़ा राजा बासा। दोस्तों आइए हम आपको दिखाते हैं हमारे गांव का मध्य विद्यालय स्कूल। ये हम लोग का गाँव का स्कूल है और यहाँ पर बच्चों को पढ़ा। तो दोस्तों, गाड़ी का वेट करते करते अभी 9:15 हो रहा है। 9:15 हो रहा है तो गाड़ी जो है अभी तक आया नहीं है। देखते हैं कब तक आएगा गाड़ी। और मैं दलमा जाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ और देखते हैं कब पहुँचेंगे। भगवान कब पहुँचेंगे। और जब हम गाड़ी में जाएंगे तो हमारे साथ साथ बहुत लोग भी हैं जो गाड़ी का वेट करें। और देखेंगे आगे, हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिए आगे क्या क्या होता है ये जानने के लिए। हाय फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग का गाड़ी आ गया। अभी रात के 10 बजे आया है। तो अभी हम लोग जब सब कोई आ जाएगा, अभी सब कोई नहीं आया है, तो सब कोई जब आ जाएगा तो हम लोग रवाना हो जाएंगे। दोस्तों, जैसे कि हम बोल रहे थे कि हमें जाना था दलमा, लेकिन अभी कुछ लोग के बीच अनबनी हो रही है कि कुछ लोग जाएंगे दलमा जाएंगे या मुर्गा महादेव जाएंगे। देखते हैं, नहीं हुआ है कि हम लोग कहाँ जाएंगे। तो देखते हैं फाइनली क्या डिसाइड होता है, क्या होता उसके है? बाद बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये तो नहीं रहा है, ऐसे तलवा तलवा लग रहा है। तो दोस्तों, आखिरकार ये डिसाइड हो गया कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं मुर्गा महादेव। तो नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर क्यों हम दलमा जाने की बजाय मुर्गा महादेव चले गए। तो ये जानने के लिए नेक्स्ट ब्लॉग जरूर देखिए। गाड़ी का पेट्रोल थोड़ा कम हो गया, इसलिए गाड़ी जो है पेट्रोल पंप पर रुकी है। और पेट्रोल भरने के बाद जो गाड़ी है वो तुरंत फुर तेज रफ्तार से हमें मुर्गा महादेव पहुंचाएगी। मंदिर पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं कि कितने जनसंख्या। कुछ लोग पहले ही पूजा समाप्त करके रेस्ट कर रहे हैं और कुछ लोग तो लाइन में लगे हुए हैं अभी भी। तो अब हम लोग भी पूजा का सामान खरीद लेते हैं और उसके बाद मंदिर की ओर निकल पड़ेंगे। मैं पहली बार मुर्गा महादेव मंदिर आई हूँ और देखते हैं कि पहली बार का एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो आप देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा मात्रा में भीड़ है। तो
तो अब बारी आती है जल लेने की, तो जल लेने के लिए झरना की ओर जाना पड़ेगा। और झरना जगह बहुत ज़्यादा भीड़ है, और यहाँ से पानी लेके मंदिर में चढ़ाना है। तो मैं भी पहुँच गई हूँ झरना के सामने, और जल लेकर चलते हैं मंदिर चढ़ाने जल। तो सभी लोग लाइन पर लगे हैं पूजा करने के लिए, और मैं भी लगी हूँ लाइन पर। और पीछे देख रहे हैं इतनी ज़्यादा भीड़ है कि कोई निकल भी नहीं पाएगा, इतना धक्का मुक्की है। और पूजा समाप्त करने के बाद हम निकल जाते हैं मंदिर से अपने गाड़ी की ओर। और रास्ते में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, कुछ लोग सामान खरीद रहे हैं जो चीज़ें खरीदना है। इस साल का जो बोलबम यात्रा था वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एडवेंचर से भरा था। तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आगे क्या क्या हो वो नेक्स्ट ब्लॉग में देख लीजिएगा।